वायर ना यहाँ से टूटती है, तीन पॉइंट होते हैं, एक यहाँ से टूटती है ठीक है, एक हमारे माइक्रोफोन के आगे पीछे से टूटती है और एक हमारे यहाँ जैक से टूटती है। तो मुझे लगता कि इसमें हम लोग अगर यूज करेंगे तो कुछ टूट जाएगी क्योंकि इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। यू गाइस अनदर इंजीनियर चैनल पर स्वागत है और आज इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करेंगे और रिव्यू करेंगे बोट के बेस हेड 100 ये वायर्ड ईयरफोन्स ठीक है। और मैं लिटरली काफी दिनों बाद वायर्ड वाले ईयरफोन्स को मैं रिव्यू कर रहा हूँ। एक साल पहले मैंने कुछ चार पांच ईयरफोन साथ में रिव्यू करे थे जो कि मेरे घर के ही थे, एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ देख लेना, माई बटन में दे दूंगा, मतलब काफी एक साल पुरानी वीडियो है। और उसके बाद क्या हुआ था, मतलब वायरलेस वाले जनरेशन चालू हो गई थी, मतलब अभी भी वायरलेस वाले हैं, तो मतलब वायरलेस आ रहे थे। मैंने सोचा एक बार मैं वायर्ड एयरपॉड्स वगैरह खरीद लेता हूँ, तो आप काफी टाइम से देख रहे होगी कि मैं वायरलेस वाले ही रिव्यू कर रहा हूँ, लेकिन अब मैंने ये खरीदे हैं और ये देखते हैं कि भाई कैसे हैं ठीक है, इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है, बेस क्वालिटी कैसी है और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये हमारी पैकेजिंग आती है और आप ऊपर ही देख सकते हैं बोट ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं बेस हेड्स 100 ठीक है, और लेफ्ट में बैजिंग, राइट में बैजिंग, और आप यहाँ देख सकते हैं ये है रेड वाले कलर। तो इसमें चार कलर आते हैं, ब्लैक, व्हाइट, रेड और पिंक। और इससे पहले जो मैं यूज कर रहा था वो ब्लैक एंड व्हाइट थे, तो मैंने सोचा यार कुछ नया मंगाते हैं, तो मैंने इसलिए रेड मंगाया है। और आप देख सकते हैं इसमें एक माइक्रोफोन है ठीक है, और एक बटन है जिससे आप जो अगर कॉल आएगी तो आप उठा सकते हैं, कॉल आएगी तो काट सकते हैं। बाकी ये देख सकते हैं इसमें जो ड्राइवर है, बेसिकली स्पीकर के ड्राइवर्स जो है वो 10 एमएम के, जो बहुत ही प्यारे आउटपुट जनरेट करते हैं। और इसमें बास है, माइक्रोफोन है और वही जो बटन है जो मैंने आपको बताया। और इसके अंदर हम लोग को ईयर टिप्स मिलते हैं एक्स्ट्रा, और ऑब्वियसली जो हमारे ईयरफोन है, तो हम इसको खोल लेते हैं फटाक से। और मुझे यार पैकेजिंग इनकी काफी अच्छी लगी, अब आप देखोगे ना तो ये देखो, तो ये कुछ है ठीक है जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगती है। देखो इन्होंने एकदम सजा के दिया है, और हम लोग एक बार ये निकाल लेते हैं ठीक है। और इधर हम लोग को एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं, और हम लोग को थोड़ी एक बुकलेट मिल जाती है ठीक है। और यहाँ पे हमारी एक वारंटी है, 1 ईयर की वारंटी है, तो अगर आपका कुछ खराब वराब हो जाता है तो यहाँ पे आप जाके जो लिखा है उस पे साइट वाइट पे जाके आप क्लेम कर सकते हैं ठीक है। अब इसको हम कर देते हैं साइड में, और ये देखो तो इन्होंने एक हम लोग को वेलक्रो दिया है ताकि जो मतलब लीड है वो हम लोग ऐसे बांध सकते हैं, बट मैं आप इसको हटा देता हूँ। तो काफी लंबी लीड है एक्चुअली में ठीक है, तो लेंथ से मुझे नहीं लगता कोई इसमें कुछ कमी है। तो गाइस ये हमारे हैं ईयरबड्स जो कि बहुत ही प्यारे दिखते हैं ठीक है। देखो ये जो डिजाइन है एकदम यूनिक वाले, मैंने तो मैंने ऐसे कभी नहीं देखा, और ऐसा लगता है ओपरा का अपना ऑस्ट्रेलिया वाला जो ओपरा हाउस है ठीक है। और इसकी और ये जो आप ईयर टिप्स देख रहे हो ऐसे ना तीन पेयर में आए थे, मतलब एक पेयर यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है और दो पेयर इसके अंदर है। तो जो ये वाले वो सबसे छोटे वाले, क्योंकि इसमें ये मीडियम वाले लगे हुए थे, बट ये थोड़े से मुझे कान में एकदम दब रहे थे और दर्द कर रहा था कान, तो इसलिए मैंने सबसे छोटे वाले लगा लिए। बाकी इसकी क्वालिटी एक नंबर है ठीक है। और बाकी मैं अगर वायर की बात करूं, माइक्रोफोन पे मैं वापस आऊंगा, ये देखो ये वाली जो वायर है ना ये काफी तगड़ी है, मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है ना। और मैंने एक्चुअली लोकल वाली भी ईयरफोन यूज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से यार क्वालिटी ऐसी लग रही है कि यार सातवें आसमान पर, क्वालिटी काफी अच्छी है। और अगर मैं आपको 3.5 mm जैक के बारे में बताऊं तो यार इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी लग रही है। और बेसिकली क्या होता है, वायर ना यहाँ से टूटती है, तीन पॉइंट होते हैं, एक यहाँ से टूटती है ठीक है, एक हमारे माइक्रोफोन के आगे पीछे से टूटती है, और एक हमारे यहाँ जैक से टूटती है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हम लोग अगर यूज करेंगे तो कुछ टूट टूट जाएगी क्योंकि इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। और अब मैं आता हूँ माइक्रोफोन पे, तो आप पीछे देख सकते हैं बोट लिखा हुआ है, और यहाँ पे माइक्रोफोन और यहाँ पे बटन जिससे मतलब हम लोग कॉल रिसीव या काट सकते हैं और गाना प्ले पॉज कर सकते हैं। और माइक्रोफोन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी यार, एयरपॉड में होता है कि यार वहां पे जो कॉल क्वालिटी वो मैटर करती है, बट जो सारे वायरलेस है ऑब्वियसली उसमें माइक्रोफोन 90% तक ठीक होते हैं ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपसे डिटेल में बात करता हूं नेक्स्ट शॉट पर। तो गाइस अब हम लोग इसमें डिटेल में बात करते हैं, तो पहले मैं बता दूं कि ये मैंने अमेजोन से लिए 400 रुपए की ठीक है। तो ये जो कलर है, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लैक, व्हाइट, रेड और पिंक में आता है, तो रेड वाला जो कलर है वो मतलब मोस्टली टाइम आउट ऑफ स्टॉक रहता है, बाकी ब्लैक, व्हाइट और पिंक अवेलेबल होता है 24 घंटे पूरे 7 दिन, और फ्लिपकार्ट भी मिलता है और अमेजोन भी मिलता है। तो 400 रुपए के लिए मैंने, बिल्ड क्वालिटी की वैसे बता रहा था, जैसे मैंने लोकल लीड काफी यूज करी ठीक है 100-200 रुपए वाली, तो उसके हिसाब से इसकी जो वायर क्वालिटी है मुझे काफी अच्छी लगी ठीक है। तो इस पर आप आराम से रिलाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी साउंड क्वालिटी के मैं आ जाता हूँ, साउंड क्वालिटी लो, मिड, हाई तीनों में ही बहुत प्यारी है ठीक है। 30% वॉल्यूम पर सुना मैंने, 50-60% वॉल्यूम पर सुना, इवन 90-100% वॉल्यूम पर सुना, बट इसकी आवाज डिस्टॉर्ट नहीं हुई, इसकी आवाज फटी नहीं,
एकदम एक्यूरेट आ रही थी, क्योंकि इसमें यार 10 mm के ड्राइवर्स हैं जो कि प्यारी आउटपुट जनरेट करते हैं। वैसे 12-13 की भी हो सकते थे, बट ठीक है 10 mm के दिए, कोई दिक्कत नहीं है। बेस के बारे में बात करता हूँ यार। बेस क्या है कि जैसे 30-40% वॉल्यूम में सुन रहा हूँ, 50-60 पे सुन रहा हूँ, तो लो मिड एक नंबर, पर जब मैं 80-90-100 पर सुनता हूँ ना, 90-100 के पे सुनता हूँ, तो हल्की सी ऐसे ना मतलब थोड़ी सी कर्कश वाली आवाज आती है, बेस से आती है, वॉइस की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले बताया वॉइस जो है वो डिस्टॉर्ट नहीं होती, बट बेस कहीं ना कहीं हल्का सा डिस्टॉर्ट होता है, बट यार वो आप निग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि 90% वॉल्यूम पर आप गाना सुनोगे तो भाई कानों की वाट लग जाती है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 90 पे मत सुनो, लेकिन ट्राई करने के लिए सुन सकते हो, बट यार 50-60% वॉल्यूम पर एकदम मजा आ जाता है गाने सुनने में, एकदम एडिक्वेट वॉल्यूम होती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। और बाकी मैं आपको ये बता रहा था, तो जो माइक्रोफोन है वो भी इसका बड़ा प्यारा है, ठीक है। मतलब नॉर्मल क्या होता है, एयरपॉड्स हमारे वायरलेस होते हैं, उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि यार उसमें प्रॉब्लम होती है कि यार कभी कॉल क्वालिटी ढंग से नहीं आ रही, लेकिन यार ये तो वायर्ड वाले हैं तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है माइक्रोफोन की। तो गाइज ये आप 400 रुपए की लीड ले सकते हो, जो कि मुझे बहुत प्यारी लगी बिना सोचे समझे, मतलब ऑब्वियसली पैसे तो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे, बट ये लीड 400 रुपए में बहुत प्यारी है, ठीक है। वॉइस बेस दोनों बहुत अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी इवन बहुत अच्छी है, तो यार थोड़ी लंबे टाइम तक चल सकती है। तो गाइस यही है, आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो, और पसंद आई है तो गाइस वीडियो को लाइक कमेंट कर देना, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करो, उसके साथ में नोटिफिकेशन बेल उसको प्रेस करो, ताकि जब भी मैं अनबॉक्सिंग की वीडियोस लेके आऊं या व्लॉग्स लेके आऊं आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन गाइस जय हिंद।